भगवतो अरहतो सम्मा संबुद्धस्स। बुद्ध और उनका धम्म। बाबा साहेब डॉक्टर अम्बेडकर द्वारा रचित इस कालजयी रचना संसार में आपका स्वागत है। कालजयी रचना संसार का मतलब बाबा साहेब द्वारा रचित पुस्तकों में यह एक ऐसा ग्रंथ है जो ग्रंथ सारी दुनिया में इस समय आकर्षण का, संशोधन का और समझ का केंद्र भी है। वैसे बाबा साहेब ने इस ग्रंथ को मूल रूप से अंग्रेजी में लिखे हैं, लेकिन हम आप तक इसका हिंदी अनुवाद पहुंचा रहे हैं जो भदंत डॉक्टर आनंद कौशल्यन जी ने किया है। तो आइए आगे बढ़ते हैं। हमने आपको पिछली कड़ी में बताया कि कैसे परिव्राजक सिद्धार्थ को जो 5 उनके मित्र मिले और उन मित्रों ने, वो भी परिव्राजक थे, उन्होंने बताया कि उनके कपिल वस्तु से निकल आने के बाद शाक्य और कोलियों का युद्ध समाप्त कर दिया गया और वो युद्ध की बात ही वहाँ से निकल गई और उस पूरे तनाव पर एक समझौता करने के लिए एक कमेटी का गठन किया गया और इस तरह उस पूरे युद्ध के तनाव का और उसकी समस्या का अंत हो गया। अब राजकुमार सिद्धार्थ जो कि परिव्राजक बने हैं, आगे की बात के लिए आगे बढ़ रहे हैं। परिव्राजकों को उन्होंने बताया कि भाई मैं आपके साथ तपस्या के लिए तो बाद में आ जाऊंगा, लेकिन पहले मुझे धीरे धीरे इस बात की परीक्षा करनी है कि कौन से मार्ग है जिन मार्गों पर चलकर लोग कुछ खोजबीन में लगे हैं। तो आइए जरा परिव्राजक सिद्धार्थ की इस खोजबीन के सफर में आगे बढ़ते हैं। ये प्रथम कांड के दूसरे भाग का ये छठा अध्याय है और इस छठे अध्याय में शीर्षक है समस्या की नई पृष्ठभूमि। अब देखिए नई पृष्ठभूमि में क्या कहते हैं। बाबा साहेब लिखते हैं कि 5 परिव्राजकों द्वारा लाए गए इस समाचार ने कि शाक्यों और कोलियों में युद्ध का होना रुक गया था गौतम को बड़ा बेचैन बना दिया, क्योंकि अब शाक्य और कोलियों के युद्ध की बात तो रही नहीं। अब युद्ध का वो तनाव जो मन में था वो खत्म हो चुका है, लेकिन अब नए सिरे से नए मार्ग की खोज भी करनी है। अब अकेला होने पर वह बड़ी गंभीरता से सोचने लगा कि क्या अब भी परिव्राजक बने रहने का उसके लिए कोई उचित कारण रह गया है। पहले तो परिव्राजकों ने पूछा था, उन्होंने कहा कि भाई आपने जिस कारण से प्रव्रजा ग्रहण की थी वो कारण तो खत्म हो गया, अब आप इस सन्यास जीवन को छोड़कर अपने घर की ओर वापस लौट सकते हो। तब तो उन्होंने कह दिया कि भाई नहीं, अभी तो मुझे और भी कुछ खोजबीन करनी है, अभी मुझे परिव्राजक बने रहना है, लेकिन अब एकांत में। जब वो 5 परिव्राजक चले गए तपस्या के मार्ग पर, तो अब ये अकेले इस बात पर बड़ी गंभीरता से सोच रहे हैं कि क्या वास्तव में इसकी कोई जरूरत है कि मैं परिव्राजक बना रहा हूं या फिर इस प्रव्रजा के जीवन को छोड़ दूं। इसका उचित कारण कुछ रह गया है या नहीं, तो अपने इस प्रश्न का उत्तर वो ढूंढते हैं, क्योंकि ये प्रश्न भी उन्होंने अपने आप से किया है। तो इसका उत्तर वो ढूंढते हैं कि वह अपने बंधु बांधवों को क्या छोड़कर आया था, अपने बंधु बांधवों को क्यों छोड़कर आया था। परिव्राजक बने रहने का कोई कारण है या नहीं, इसी बात के ये जो प्रश्न है इसी के उत्तर में फिर उनके मन में एक प्रश्न आया कि मैं अपने बंधु बांधवों को, अपने आप्तजनों को, अपने सगे संबंधियों को छोड़कर क्यों निकला था, उसकी क्या वजह थी, उसका क्या कारण था। फिर ये प्रश्न मन में आ गया। अब देखिए कि उसने इसलिए गृहत्याग किया था क्योंकि वह युद्ध का विरोधी था। ये तो बात जाहिर सी थी कि उन्होंने गृहत्याग इसीलिए किया कि वे युद्ध के विरोधी थे, लेकिन अब जबकि युद्ध समाप्त हो गया है, अब तो शाक्य और कोलियों के बीच कोई युद्ध नहीं है, तब भी क्या मेरे लिए कोई समस्या शेष रह गई है। सवाल है उनका कि हाँ भाई युद्ध तो खत्म हो गया, लेकिन क्या अब भी कोई और समस्या है जो मेरे लिए
शेष रह गई है जिस पर मैंने सोच विचार करना चाहिए। क्या युद्ध की समाप्ति के साथ साथ मेरी समस्या भी समाप्त हो गई? देखिए, मन में इतने प्रश्न उत्पन्न होते हैं, इन प्रश्नों का उत्तर भी अपने आप में चिंतन के साथ ही निकालना होता है, और ये चिंतन जब गंभीरता से होता है तो निश्चित रूप से ये बात बड़ी संजीदगी से हमारे सामने आती है। परिव्राजक सिद्धार्थ के मन में भी ये ही बातें आ रही है। वो सोच रहे हैं कि जब युद्ध खत्म हो गया तो मैंने परिव्राजक क्यों बने रहना चाहिए? मैंने परिव्राजक बने रहना है तो मैं अपने सगे संबंधियों को क्यों छोड़ कर आया था? तो वो तो युद्ध के कारण। अब युद्ध तो खत्म हो गया तो फिर क्या कोई और ऐसी समस्या है कि जिसके लिए मुझे परिव्राजक बने रहना चाहिए? फिर वे देखते हैं कि क्या युद्ध की समाप्ति के साथ साथ मेरी समस्या भी समाप्त हो गई। सवाल है उनका कि क्या युद्ध की समाप्ति के साथ साथ मेरी समस्या भी समाप्त हो गई? तो फिर वो आगे बढ़ते हैं कि गहराई से सोचने पर उन्हें उत्तर मिला, नहीं। युद्ध के साथ उनकी अपनी स्वयं की समस्या समाप्त नहीं हुई है। तो फिर युद्ध की समस्या अनिवार्य तौर पर विरोध की समस्या है और यह एक बड़ी समस्या का अंग है। युद्ध की समस्या ये एक बड़ी समस्या का अंग है क्योंकि यह विरोध की समस्या है, गतिरोध की समस्या है, और ये विरोध न केवल जातियों और राजाओं में विद्यमान है, ये विरोध, ये संघर्ष विद्यमान है क्षत्रियों में, ब्राह्मणों में, गृहस्थों में, माता और पुत्र में, पुत्र और माँ में, पिता और पुत्र में, बहन और भाई में, तथा साथी और साथी में। सब तरफ तो ये समस्या है कि हर कोई एक दूसरे के साथ किसी ना किसी वजह से लड़ रहा है, फिर चाहे उसके अहंकार के कारण, फिर चाहे उसके क्रोध ईर्ष्या के कारण, चाहे फिर उसके द्वेष के कारण, उसके अपने अभिमान के कारण, लेकिन लड़ तो रहा है। अब जब ये लड़ रहा है तो फिर परिव्राजक सिद्धार्थ को लगता है कि हाँ, समस्या तो है क्योंकि लोग एक दूसरे से लड़ रहे हैं, समुदाय एक दूसरे से लड़ रहे, परिवार के लोग भी एक दूसरे से लड़ रहे हैं, भाई भाई लड़ रहे हैं, मित्र मित्र लड़ रहे हैं, साथी साथी लड़ रहे हैं, पिता पुत्र लड़ रहे हैं, भाई बहन लड़ रहे हैं, और ये सारी लड़ाइयां तो है, और समुदायों के बीच भी लड़ाइयां है, जातियों के बीच भी लड़ाइयां है। जब लड़ाइयां है तो फिर ये तो समस्या है। ये जो विरोध है, ये जो गतिरोध है, इस गतिरोध को समस्या के रूप में परिव्राजक सिद्धार्थ ने जाना, और फिर उनके मन में एक नई बात आई। फिर देखिए कि जातियों में जो संघर्ष होता है वह तो कभी कभी होता है, लेकिन वर्गों के बीच में जो संघर्ष होता है वो स्थायी है और लगातार जारी है। जातियों का संघर्ष ये एक दूसरे से मिलने पर, लेकिन वर्गों का संघर्ष जो है वो तो स्थायी रूप से चला आ रहा है। एक वर्ग दूसरे वर्ग से लड़ ही रहा है, उनमें इतना बड़ा तनाव है कि वो कभी कभी एक बड़े संघर्ष में भी तब्दील हो जाता है। तो फिर ये समस्या तो है। फिर वे कहते हैं कि ये जो संघर्ष है ये स्थायी है और लगातार जारी है, तो संसार के कष्टों और दुख के मूल में ये वर्ग संघर्ष है, ये जो क्लास कॉन्फ्लिक्ट जो है, ये हमारे सामाजिक जीवन में जो संघर्ष दिखता है, जो तनाव दिखता है, वो तनाव इसके कारण है। और फिर वे कहते हैं कि संसार के कष्टों और दुख के मूल में ये वर्ग संघर्ष ही है। ये बड़ी महत्वपूर्ण बात है। पूरे संसार में जितने भी लोग ये वर्गों के खिलाफ लड़ रहे हैं, उन सब के लिए ये आइडेंटिफिकेशन परिव्राजक सिद्धार्थ ने 2500 साल पहले कर लिया, और तब से उन्होंने ये संघर्ष को महसूस किया,
कि यह संघर्ष स्थायी तौर पर है। फिर वे कहते हैं कि यह सत्य है कि मैंने युद्ध के कारण ही गृह त्याग किया था, लेकिन शाक्यों और कोलियों का युद्ध समाप्त हो जाने पर भी घर वापस नहीं लौट सकता। वे कहते हैं कि हां, निश्चित रूप से शाक्य और कोलियों के संघर्ष के कारण, उनके तनाव के कारण, रोहिणी नदी के पानी के वितरण के बंटवारे के कॉन्फ्लिक्ट के कारण मैंने गृह त्याग तो किया था, लेकिन ये युद्ध समाप्त हो जाने पर भी मैं घर वापस नहीं लौट सकता। तो फिर क्या, मैं देखता हूं कि मेरी समस्या ने व्यापक रूप धारण कर लिया है। परिव्राजक सिद्धार्थ देख रहे हैं कि ये समस्या ये इतनी छोटी नहीं है जितनी छोटी ये दिखती है। ये समस्या तो पूरे संसार की समस्या है, पूरे संसार में इस समस्या ने व्यापक रूप धारण कर लिया है। आज भी हम देखते हैं इन चीजों कि ये समस्या व्यापक रूप से हम सबके सामने खड़ी है, और मुझे उस सामाजिक संघर्ष की समस्या का हल खोज निकालना है। ये जो सामाजिक समस्या है, क्योंकि ये युद्ध, ये संघर्ष, ये तनाव, ये बिखराव, ये बंटवारा, ये सब सामाजिक समस्या के अंग है, और ये सामाजिक समस्या को का हल मुझे खोज निकालना है। ये परिव्राजक सिद्धार्थ राजगृह में सोच रहे हैं, जहां उन्होंने एक छोटी सी कुटिया बना रखी है, घर से बेघर हो गए, और वहां इस बात को वे सोच रहे हैं कि युद्ध समाप्त होने के बाद अब मेरे सामने किस तरह की समस्या है। फिर वो देखते हैं कि पुराने परंपरागत दर्शनों के पास इस सामाजिक संघर्ष की समस्या का हल है या नहीं, और यदि है तो कहां तक। फिर वो इस बात पर नजर डालते हैं कि जो परंपरागत समाधान है, जो परंपरागत दर्शन शास्त्र है, जो परंपरागत मॉरल है, जो परंपरागत नीति है, उसमें क्या इस समस्या का कोई हल है या फिर नहीं है, या फिर इसको नए सिरे से कोई बात इसके लिए खोजनी होगी। ये हल कहां तक है इनके पास? क्या हम इन सामाजिक दर्शनों में से किसी एक को भी सही मान सकते हैं? परिव्राजक सिद्धार्थ के मन में प्रश्न है, और इन प्रश्नों के साथ अब ये परिव्राजक सिद्धार्थ आगे बढ़ रहा है। एक तो वे सोच रहे हैं कि संघर्ष की सामाजिक संघर्ष की समस्या का हल है या नहीं है, या फिर वो कहां तक है। दूसरी बात वे सोचते हैं कि क्या हम सामाजिक दर्शनों में से किसी एक को भी सही मान सकते हैं जो इस समय वर्तमान में उपस्थित है, उपलब्ध है। और फिर वो देखते हैं कि उसने हर परंपरा का, हर मत का स्वयं परीक्षण करने का निश्चय किया। और फिर परिव्राजक सिद्धार्थ ने यह निर्णय लिया कि नहीं, ये जितने दर्शन, जितने मत, जितनी नीतियां जो उपलब्ध हैं, इन सब का परीक्षण किया जाए कि क्या ये वाकई इस पूरे तनाव को खत्म करने के लिए ये समर्थ है भी या नहीं है। और बस इसी के साथ अब ये परिव्राजक आगे बढ़ते हैं। आपको थोड़ा सा संदर्भ के लिए बता दें कि ये जो हमने अभी जितनी चीज़ें आपको पढ़कर सुनाई, ये बौद्ध साहित्य में जो मिलती है, ये एक तो अश्वघोषकृत जो बुद्ध चरित है उसमें मिलता है, और इसके अलग अलग श्लोकों में इसका वर्णन मिलता है, जिसको बाबा साहेब ने अलग अलग श्लोकों से इसे इकट्ठा कर इसे एक पुस्तक के रूप में, जो पूरे संसार में बुद्ध का चरित्र, उनकी शिक्षाएं समझाने के लिए बाबा साहेब ने इसे लिखा है, तो इसलिए ये एक बड़ा महत्वपूर्ण ग्रंथ है, बुद्ध एंड हिज धम्मा, बुद्ध और उनका धम्म की इस कड़ी में अब यहाँ रुकने की इजाज़त दीजिएगा, क्योंकि ये वक्त पूरा हो रहा है। रुकते हैं इस वादे के साथ कि कल आपसे पुनः भेंट होगी, जब हम बुद्ध और उनका धम्म की इसी बात से आगे बढ़ेंगे। तब तक के लिए हमें इजाजत दीजिए।
बुद्ध और उनका धम्म